आरबीआई ने आईपीएल 2025 से 27 तक के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एक्सप्लेन कर दें कि ऑक्शन किस तरीके से होगी। पर मैच जो प्लेइंग फी होगी वो 7.5 लाख INR होगी। अगर मैं पीकेआर में बात करूं तो हमारे वाले तो बोलेंगे इंडिया ही ले जाओ भाई साहब, जल्दी से ये क्रॉस बॉर्डर वाले मामला सही करो, हम फॉरन आईपीएल में जाके खेलने। इतना पैसा, मतलब 7.5 लाख INR की मैं बात करूं तो पीकेआर में तकरीबन कोई 15-30 लाख रुपए बन जाता है सिर्फ एक आईपीएल गेम का। 14 गेम्स होते हैं हर एक लड़के के पास, तो अगर एक लड़का पूरा टूर्नामेंट खेलेगा तो 1 करोड़ रुपए लेके जाएगा। ये उसकी जो अमाउंट है, जो उसका कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट है, जो उसका ऑक्शन में अमाउंट सेट होगा या रिटेंशन में अमाउंट सेट होगा, ये उससे अलग है। इतना पैसा दिया जा रहा है प्लेयर्स को, मैं तो शॉक होकर रह गया था। और मसला ये है कि इस दफा की जो आईपीएल की ऑक्शन होने जा रही है ना, ये किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम की नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर प्लेयर्स पहले रिटेन होंगे, फिर आरटीएम चलेंगे, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और ये इंसेंटिव उन्होंने खिलाड़ियों को दिए जिससे खिलाड़ी बड़े खुश हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो टीमें हैं उनको कहा है कि वो हर मैच के लिए 12.60 करोड़ रुपए जो है वो रखें। तो यकीनन ये आईपीएल का एक बहुत बड़ा इकदाम है। इससे क्या होगा कि खिलाड़ियों में नया जोश जज्बा पैदा होगा कि अगर पाकिस्तानी करेंसी में एक खिलाड़ी को 21 लाख रुपए एक मैच के मिल रहे तो फिर क्या बात है। और वहां भारतीय करेंसी में अगर एक खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए पर मैच मिल रहे तो ये बहुत बड़ी रकम है। फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अब से फॉरेन प्लेयर्स को कितने पैसे मिलेंगे ये डिसाइड होगा ऑक्शन की बेस के ऊपर, इंडियन प्लेयर्स को कितने पैसे मिलेंगे। अगर वो बिक भी जाता है 4-5 करोड़, उसको एक्स्ट्रा 25 करोड़ में मिनी ऑक्शन में अगले साल बिक भी जाता है, तो वो जो एक्स्ट्रा 5 करोड़ होगा ना वो बीसीसीआई को जाएगा प्लेयर्स वेलफेयर के लिए। सही तो कहते हैं कि एक दफा जो आईपीएल में पहुंच गया उसकी जिंदगी पर सफल हो गई। और ये जो दूसरी दुनिया में भी आपको जो प्लेयर्स दिख रहे हैं कि वो टी20 लीग्स की तरफ आप रागिब हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि प्लेयर्स की वैसी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है। वो कहते हैं यार 2 साल भी अगर आईपीएल के लग जाए टॉप टायर कैटेगरी के अंदर, तो टॉप टायर में जो आप 2 साल में कमाओगे पूरी जिंदगी आप बैठ के खाओगे। भले अगर पैट कमिंस को 20 करोड़ आईपीएल में मिला, वो खेले या ना खेले, वो बेंच के ऊपर बैठा हुआ तो उसको 20 करोड़ मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर पैट कमिंस चाहे कि वो जाना चाहता है, वो बाहर जा रहा है, उसकी नेशनल ड्यूटी आ रही है, तो उसको ये भी पता होगा कि अगर मैं मैच खेल रहा हूं मुझे हर मैच खेलने का भी 7.5 लाख रुपया मिल रहा है, तो मैं नेशनल ड्यूटी पे क्यों जाऊं, मैं मैच खेलना ज्यादा पसंद नहीं करूंगा। अगर हम देखें पीएसएल और आईपीएल ने भी आपस में क्लैश मैं कहूंगी, क्योंकि एक ही वक्त में दोनों ने होना है और हमारे काफी प्लेयर्स जो मतलब पीएसएल का हिस्सा होते हैं प्रोबेबली वो आईपीएल के अंदर शामिल हैं। आईपीएल चूंकि बड़ी अट्रैक्शन है, वहां बहुत पैसे मिलते हैं, तो डेफिनेटली खिलाड़ी उस तरफ जाएंगे। ये एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। आप लोग भी अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर से मिस्टर बजाज फील करेंगे। स्टार प्लस के ड्रामे आते ना, मिस्टर बजाज आते थे, यूं करोड़ों का मुंह पे मारते थे, कोई बदतमीजी करता तो उसको थप्पड़ नहीं मारते थे, अपनी जेब से निकाल के 2 लाख की गड्डी को मुंह पे देके मारते थे, वही अगली की बेइज्जती होती थी। तो मिस्टर बजाज फील करने के लिए आप एकदम से रेडी हो जाए। हर प्लेयर को 7.5 लाख पाकिस्तानी तकरीबन ये बन जाता है, 3.33 से मल्टीप्लाई कर दे 25 लाख के करीब ये अमाउंट चली जाती होती है। तो इतना पैसा अगर प्लेयर्स को मिलेगा तो फिर तो वो भाई साहब खेलेंगे ही खेलेंगे, फिर तो वो आईपीएल छोड़ेंगे नहीं कोई ना कोई। गलत बात है, कहने को 1 डॉलर भी हमारी जेब में नहीं है, लेकिन हम मिलियन डॉलर्स की बात करके आज रात इसी में खुश हो जाएंगे कि बहुत सारे पैसे की हमने बात की है। द काइंड ऑफ द मनी आईपीएल 2025 में रिटेंशन के हवाले से एक नई फहरिस्त जारी हो गई। रिटेंशन रूल के मुताबिक आप कोई भी टीम जो है 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है। उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल भी लागू रहेगा। जो इम्पैक्ट प्लेयर सबसे पहले मतलब के होगा नंबर 1 पे, उसको 18 करोड़, फिर 2 को 14 और 14 करोड़ इस हिसाब से दिए जाएंगे। अब जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल है वो भी चल रहा है, रिटेंशन भी हो रही है। उसके साथ साथ जय शाह ने एक और ऐलान किया है। जय शाह ने कहा है कि जो खिलाड़ी इस बजट के अलावा जो भी खिलाड़ी जो होगा वो आईपीएल का एक मैच खेलेगा उसे 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और ये तकरीबन पाकिस्तान के 20 से 25 लाख रुपए बनते हैं। यानी एक खिलाड़ी को 20 से 25 लाख रुपए मिलेंगे सिर्फ मैच खेलने के, उसके कॉन्ट्रैक्ट के अलावा। तो इस तरह से जो है जय शाह ने पैसे की बहार कर दी है, एक दफ़ा दिखा दिया है कि आईपीएल एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल लीग बन चुकी है और वहाँ पैसे की बहुत रेल पेल। पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है कि इनके खिलाड़ियों के टॉप के कॉन्ट्रैक्ट कितने होते हैं जितने जय शाह इनको फीसिस मैच में दी जा रहे हैं। मजीद आप पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन सुने कि पाकिस्तानी जो मीडिया है वो किस तरह से जो है आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें कर रहा है, और वो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं कि इतना बड़ा बोर्ड है और वो खर्चा भी कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट प्रोग्रेस कर रही है। मजीद आप हमारी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन के बटन को दैट इज ब्लडी अनप्रेसिडेंटेड। जय शाह का थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट भी आया कि पर मैच जो
प्लेइंग फी होगी वो 7.5 लाख INR होगी। अगर मैं पीकेआर में बात करूं तो हमारे वाले तो बोलेंगे इंडिया ही ले जाओ भाई साहब, जल्दी से ये क्रॉस बॉर्डर वाले मामला सही करो, हम फॉरन आईपीएल में जाके खेल ले। इतना पैसा मतलब 7.5 लाख INR की मैं बात करूं तो पीकेआर में तकरीबन कोई 15-30 लाख रुपए बन जाता है सिर्फ एक आईपीएल गेम का। 14 गेम्स होते हैं हर एक लड़के के पास, तो अगर एक लड़का पूरा टूर्नामेंट खेलेगा तो 1 करोड़ रुपए लेके जाएगा। ये उसकी जो अमाउंट है, जो उसका कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट है, जो उसका ऑप्शन में अमाउंट सेट होगा या रिटेंशन में अमाउंट सेट होगा, ये उससे अलग है। ये विनिंग अमाउंट का जो पर्स है ये उससे अलग है। फिर वो जो स्पॉन्सर्स लगे होते हैं ये उससे अलग है। फिर जो ट्रैवल एंड डेली TADA जो अलाउंसेस मिलते हैं वो उससे अलग है। सो यार सही तो कहते हैं कि एक दफा जो आईपीएल में पहुंच गया उसकी जिंदगी फिर सफल हो गई। और ये जो दूसरी दुनिया में भी आपको जो प्लेयर्स दिख रहे हैं कि वो T20 लीग्स की तरफ आप रागिब हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि प्लेयर्स की वैसी शेल्फ लाइफ बड़ी कम होती है। वो कहते हैं यार 2 साल भी अगर आईपीएल के लग जाए टॉप टायर कैटेगरी के अंदर, तो टॉप टायर में जो आप 2 साल में कमाओगे पूरी जिंदगी आप बैठ के खाओगे, भले आपकी अगली नस्ल खा ना सके लेकिन आप बड़ी कंफर्टेबली वो पैसा खा लोगे। फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अब से फॉरेन प्लेयर्स को कितने पैसे मिलेंगे ये डिसाइड होगा ऑक्शन की बेस के ऊपर इंडियन प्लेयर्स को कितने पैसे मिलेंगे। देखिए जो मेगा ऑक्शन के अंदर इंडियन प्लेयर्स को, देखिए पिछले सीजन में जो मिनी ऑक्शन है उसके अंदर मिचेल स्टार्क 25 करोड़ ले गया, 20-22 करोड़ मेरा ख्याल है पैट कमिंस लेके चला गया, ये तोहीन थी इंडियन प्लेयर्स की। अब हुआ क्या है, अब मेगा ऑक्शन में जितने के इंडियन खिलाड़ी बिकेंगे, जैसे कि आप सिंपल अंदाजा लगा लें कि इन केस रोहित शर्मा खेल रहे हैं, रोहित शर्मा को 20 करोड़ के अंदर मेगा ऑक्शन के अंदर वो बिके हैं, तो फिर 20 करोड़ से कम के अंदर या 20 करोड़ तक ही मिनी ऑक्शन के अंदर कोई फॉरेन प्लेयर बिकेगा, इससे ज्यादा में नहीं बिकेगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर वो बिक भी जाता है 4-5 करोड़ उसको एक्स्ट्रा 25 करोड़ में मिनी ऑक्शन में अगले साल बिक भी जाता है, तो वो जो एक्स्ट्रा 5 करोड़ होगा ना वो BCCI को जाएगा प्लेयर्स वेलफेयर के लिए। तो क्या से क्या चीजें हो रही है, मतलब कि इसे बताया जा रहा है कि इंडियन प्लेयर्स की भी उतनी ही वैल्यू जितनी, क्योंकि आपको पता ही है ना द मोमेंट फ्रेंचाइजेस ने इंडियन प्लेयर्स को रिलीज किया सबसे महंगे वही बिकेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें जैसे कहते हैं कोई दो राय नहीं है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया, अब हर खिलाड़ी के लिए जो मैच फीस है वो 7.5 लाख रुपए इंडियन मैच फीस रखी उन्होंने, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में भी इसको जो है मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 21 लाख रुपए से जायद फी मैच जो है वो मैच फीस मिलेगी खिलाड़ियों को। और उसके अलावा उन्होंने एक और चीज की है जय शाह ने, और वो चीज ये कि अगर कोई खिलाड़ी अपनी टीम की जानिब से तमाम के तमाम मैच खेलता है तो उसको 1.5 करोड़ जो है वो मिलेंगे। आप अंदाजा लगाएं कि वो पाकिस्तानी करेंसी में 3 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। तो ये इंसेंटिव उन्होंने खिलाड़ियों को दिए जिससे खिलाड़ी बड़े खुश हैं। और इसके अलावा उन्होंने जो टीमें हैं उनको कहा है कि वो हर मैच के लिए 12.6 करोड़ जो है वो रखे। तो यकीनन ये आईपीएल का एक बहुत बड़ा इकदाम है, इससे क्या होगा कि खिलाड़ियों में नया जोश जज्बा पैदा होगा कि अगर पाकिस्तानी करेंसी में एक खिलाड़ी को 21 लाख रुपए एक मैच के मिल रहे तो फिर क्या बात है, और वहां भारतीय करेंसी में अगर एक खिलाड़ी को 7.5 लाख रुपए पर मैच मिल रहे तो ये बहुत बड़ी रकम है। अगर हम देखें पीएसएल और आईपीएल ने भी आपस में क्लैश मैं कहूंगी क्योंकि एक ही वक्त में दोनों ने होना है और हमारे काफी प्लेयर्स जो मतलब पीएसएल का हिस्सा होते हैं प्रोबेबली वो आईपीएल के अंदर शामिल हो, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्योंकि स्टेडियम स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन